मोहतरम हजरात, अब आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है। पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर मैं हैदराबाद, तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अपील करने आया हूं कि आइए हैदराबाद से अपना नॉमिनेशन डालिए। जहां जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने अपने उम्मीदवार खड़े करे हैं, जो वहां वहां पे कॉरपोरेशन में भी खड़े करे हैं, असेंबली में भी खड़े करे हैं, जहां जहां भी जब जब इलेक्शन हुआ असद साहब जहां पे जाके जो है जिन लोगों को हरा के आए, जिन लोगों को तबाह करके आए, जिन लोगों को निस्तो नाबूद करके आए, जिन लोगों को सियासी तौर पर खत्म करके आए, उन तमाम लोगों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आइए हैदराबाद से। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लाके नॉमिनेशन डाल सकते हैं तो डालिए, अगर नहीं डाल सकते तो इंडिपेंडेंट डालिए। उसके हमको दो तीन बड़े फायदे हमको समझ में आते हैं, जिसके फायदों के नतायज हमको दिख के आएंगे। सबसे पहला फायदा यह होगा कि हिंदुस्तान की तमाम वो फिरकापरस्त ताकतों को यह बात का महसूस हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कई हिंदुस्तान के मुसलमान अपना नॉमिनेशन डाल के इस बात को साबित किया कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। देखिए, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना इसका मतलब यह निकलता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाई, यानी हम उनकी आइडियोलॉजी से सेटिस्फाई नहीं है। आइए, जो लोग असद साहब की आइडियोलॉजी से सेटिस्फाई नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, आप आइए हैदराबाद से नॉमिनेशन डालिए और वो फिरकापरस्त चेहरों को, उस नेशनल मीडिया को, उन तमाम लोगों को, अब जस्ट इमेजिन करिए, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अगर एक 500 नॉमिनेशन पूरे इंडिया के मुसलमान अगर डाल दिए तो ये नेशनल मीडिया के लिए एक स्क्रोलिंग होगी, नेशनल मीडिया के लिए एक मैसेज होगा कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी तादाद के मुसलमान इनके खिलाफ है और इनको इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी के लिए, दैट विल बी हेडलाइंस। ये हेडलाइंस रहेगी नेशनल मीडिया के लिए, और साथ ही साथ ये पैगाम भी जाएगा कि असद साहब की जो गलत आइडियोलॉजी है, जो वो जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी है, इनकी भाजपा को जिताने वाली जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी का स्मृत टूट जाएगा और भाजपा को भी यह बात समझ में आएगी कि कई मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ है। और तीसरी बात, तीसरा फायदा उससे यह होगा कि जब एक 200, 400, 300 लोग जब नॉमिनेशन डाल देंगे और वो नॉमिनेशन वैलिड हो जाएगा, विड्रॉल नहीं होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन ईवीएम से हटाया जाएगा, बैलेट पेपर पे लाया जाएगा। जैसे बैलेट पेपर पे आएगा तो बैलेट पेपर नहीं, बैलेट बुक बनाना पड़ता। तो बैलेट बुक जब बनेगी तो ये जो डम्मी वोटर्स जो एक बड़ी तादाद में हैदराबाद में है, ये तमाम वोटर्स बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे वोट डालने के लिए। और जब उन कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको हकीकी हैदराबाद की पोलिंग परसेंटेज आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में समझ में आ जाएगा कि कितने वोट ये बड़े आवाज निकाल के बड़ी बड़ी पार्लियामेंट में तकरीरें करने वाले, अपने आप को हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा कहलाने वालों की हकीकत आप तमाम के सामने आ जाएगी। मैं इसलिए इस वीडियो के जरिए आप तमाम से अपील करता हूं, आइए इस पार्लियामेंट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन डाल के, एक 200-500 हजार आदमी नॉमिनेशन डाल के एक पैगाम दे दीजिए पूरे हिंदुस्तान के फिरका परस्तों को, एक पैगाम दे दीजिए पूरी नेशनल मीडिया को, पैगाम दीजिए कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी, उनका तरीका, उनका भाजपा को मदद करना, इसके हम खिलाफ है, लिहाजा हमने नॉमिनेशन डाला। बस यही आपकी जीत और यही आपकी कामयाबी हो जाएगी। इतने में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब हकीकी तौर पर जमीनी सतह पे आ जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान कितना उनसे नाराज है। अगर आपको अपनी नाराजगी साबित करना है तो जमहूरियत का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करिए, और इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के तहत हम अपनी लड़ाई को उनके सामने रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, कितने लोग इनके खिलाफ है, कितने लोग इनके साथ है, और इसके जो नतायज आएंगे वो नतायज देख के इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान हैरत करेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिर्फ इतने वोट ये लोग जब देखेंगे ना तो लोग बड़ी एक हैरत की नजर से, ताज्जुब की नजर से देखेंगे, और उसके नतायज भी बड़े फिक्रमंद नतायज आएंगे। जज़ाकअल्लाह।